But I think people get away very easily. भाई डिस्प्ले देख, डिस्प्ले दे। हाँ, बोल दो। Minds, I think they think that they can get away with whatever they want. This is just one example, an unfortunate incident. But I'm glad that the nation today has come together. It's not about me. It's not about the people who are here. It's about the nation that has come together. And hopefully, this will lead to something much bigger. I think, like I said, I think yes. It's basic things like educating. I mean, we can say 100 things. I'm not here to talk about what can be done, what should be done. I'm just here to show my disappointment in the system and in the country that we live in. And hopefully this gets corrected soon and we don't have any more such. कुछ समय पहले लोगों का मानना था कि 21st of December was the end of the world. कुछ लोगों का मानना था कि कलयुग खत्म होने के बाद अब सतयुग शुरू होने वाला है. मेरे ख्याल से this is actually the birth of a new consciousness. पर इस बार हमें इस आग को बुझने नहीं देना चाहिए. होता है, गुम है और हम सब इनको बहुत ही कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की. और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किसी को खोने के का जो एक थॉट पे जो होता है उससे कितनी बुरी तकलीफ होती है फैमिली में और कितना दर्द होता है. और मैं सोचता हूँ कि ये जो बॉम्बे में और दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ा है अगेंस्ट वुमेन, ये एक ऐसी चीज है जो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है. और मैं यही कहूँगा कि बस कुछ गवर्नमेंट हमारी ऐसा कुछ काम करे, कुछ ऐसा अच्छा काम करे कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ये खत्म हो. और ऐसा ना आपको डर लगता रहे कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बहनें बाहर जाती हैं और वो जाके आए कि ना, ऐसा कभी न्यूज किसी को ना मिले. इसमें इतना दुख भरा है और इसमें इतना गम भरा है जो कि कभी खत्म नहीं होगा. मेरी बहन को मैं जानता हूँ कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने को. पूरी हमारी फैमिली इसमें लगी है. सुबह से उठ के हम लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने, यहाँ घूमने वहाँ घूमने. और जब ये पता पड़ता है कि कहीं कुछ पता नहीं पड़ रहा है तो ये एकदम डेवेस्टेटिंग है. इस वक्त आपको बोलते बोलते कांप रहा हूँ अंदर से कि मैं क्या कहूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ मेरी फीलिंग, कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे बयां करूँ कि कितना भयानक दर्द है ये एकदम ना खत्म होने वाला ऐसा दिल हिला देने वाला जज्बा है कि मैं बोल भी नहीं सकता ना मैं कुछ कह सकता हूँ इस वक्त इसके लिए.